माननीय प्रभु मंच पर आशीष संपूर्ण नेतागण देख रहा संपूर्ण संपूर्ण में हमारा तरफ से स्वीकार करो नमस्कार अभिवादन। आज 12 क्षेत्र नंबर 2 में दुनिया के लोग के नजर है, पहले के ना यूपी बिहारों के नजर यहाँ के दुनिया बहुत नजीक से देख रहा है कि 12 क्षेत्र नंबर 2 के लोग की निर्णय करने वाला है। हमसे ही कहना चाहूं 12 जिला एक ऐतिहासिक जिला, एक पवित्र भूमि, एक न्याय के पथ पर चले वाला, न्याय के एक इतिहास कोने वाला महान भूमि। हमारा सबका विश्वास है ये भूमि से एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। 12 जिला के भीतर ही ताकत है कि हर एक असंभव के संभव कहले है। आने वाले चुनाव में भी, आने वाला के चुनाव परिणाम भी वैसे ही लोग के चकित करने वाला, 12 के सिर ऊंच करने वाला और जनता के नया हिम्मत देने वाला, एक नया निर्णय वाला है। एक अग्रिम शुभकामना देने वाला चाहता हूँ। अपने से बीच में 2 ढंग के उम्मीदवार है, 2 की सीरीज से उम्मीदवार उतरल है और वही बारे में कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। विभिन्न पार्टी में रहल लोग से पूछना चाह रहा हूँ। सब पार्टी के उम्मीदवार सब है जो पार्टी के नेता पर कहले है, ओकर वोटर के मालूम है, लेकिन जनता के मालूम है, वो पार्टी के नेता के मालूम है। अपने एक बार नजर दौड़ाए हम सब की चाह रहा छी, एक उम्मीदवार के छनौ उम्मीदवार के मनोनय भी काफी है। एगो उम्मीदवार ऐसा है जो जनता के जानकारी में है, काठमांडू में पार्टी के बड़े बड़े नेता सब बैठ के उम्मीदवार घोषणा करे है। एगो बड़का नेता से का उम्मीदवार है। विभिन्न पार्टी के कैडर से पूछना चाहो, जो जोन पार्टी है चुनाव लड़े रहे, अपने से पूछ रहे हैं कोरोना के चुनाव लड़ा रहा छे, हा है अपने के चाहे वाले को है, चाहे जसपा के है, चाहे एबीसी। काठमांडू से निर्णय कर सिर्फ हल्ला लोग लड़ो। एक तरफ ऐसा उम्मीदवार है, एक तरफ अपने के झुपड़ी झुपड़ी से, अपने के हर टोला टोला से लोग के लिया के आम लोग के सलाह सुझाव निर्णय से उठाए एक उम्मीदवार है। एगो आम जनता के निर्णय से वो उठाए उम्मीदवार है। एक तरफ राजा महाराजा सबके दल के नेता सबके निर्णय से उठाए लोग उम्मीदवार है। अपने कोना के साथ है, अपने के उठाए उम्मीदवार एक तरफ है। सुनने का क्या अपने जाने छी कि हम सब घरे घरे कार्ड बांटने रहे कि ये क्षेत्र के उम्मीदवार के होए के चाहे। ये वो आम लोग जो जमा भेल, आम लोग के राय सलाह के आधार पर हम सब अरुण गिवाली को उठेली। इसमें हम सब पार्टी के निर्णय रहे, 12 क्षेत्र नंबर 2 के जनता के निर्णय है, अपने से के निर्णय है। एक तरफ पार्टी का उम्मीदवार उठाएल गेल जनता के निर्णय के तौर पर, अपने से के सलाह के बल पर एगो है उम्मीदवार सब जो पार्टी के बड़ा बड़ा नेता के निर्णय के आधार पर। हम सब पूछना चाहे छी जनता के निर्णय जीते के चाहे कि राजा महाराजा के निर्णय जीते के चाहे, वो फैसला अपने के हाथ में है। हम सब कोनो भ्रम में न रहा, आम जनता पार्टी कहियो न सुने है से कोनो बैठक कैलक न फलना उम्मीदवार घोषणा कैलक। हम सब कहियो न कहले छी हमर उम्मीदवार पार्टी के उम्मीदवार न है, आम जनता के सजा उम्मीदवार है। आम जनता पार्टी के उम्मीदवार हम सब कह रहा छी, आम जनता पार्टी पार्टी आम जनता के लिए बनल पार्टी है, लोकतंत्र के सुधार करने बनल पार्टी है। एक तरफ लोकतंत्र हम सब कह रहा छी, लोकतंत्र कह रहा छी, लेकिन चिबा वाला दांत कुछ और है। दल जो पहले राजा के काम करते रहे, आज दल सब कर रहा है लोग के निरीह लचार से जो अपने पार्टी निर्णय कर रहा है, अपने को माने के बाद जनता हो जा रहा है। आज हम सब कह रहे हैं जनता निरीह न है, जनता मालिक है। आए वाला चुनाव में अपने मालिक थी कि अपने एक ताली बजाने वाला निरीह प्राणी थी, वो के फैसला हो जा रहा है। फिर हम फिर कहना चाहब एक तरफ, फिर एक रिपीट करना चाह रहा हूँ, एक तरफ आम जनता के निर्णय के बल पर उठल उम्मीदवार है अरुण गिवाली, जो आम जनता के सजा उम्मीदवार है। आज से अपने सब आम जनता पार्टी के उम्मीदवार न कहू, आम जनता के सजा उम्मीदवार कहू, ये वास्तविकता बात है। हमारे पार्टी कुछ निर्णय है,
हम सब भारत क्षेत्र में दू के जनता पर छोड़ रहे जे अपने से निर्णय करब वो अपने से सर स्वीकार है क्या हम सब जनता के मालिक बनाने चाह रहा है। अभी चुनाव में आ रहा है और लोग कह रहे हैं हमारा जीत कौन आ रहा है फला की जीत आगे से पूछो और नेपाली कांग्रेस के आदमी आगे कह रहे हैं फला को उम्मीदवार बनाइए ओकरा से कहे पूछ ले से तोरा पार्टी के तो हम सब दिन सेवा के लिए तो निर्णय लेवे खुद कह रहे हैं हमारा से पूछ रहे हैं निर्णय लेवे खुद तू मालिक बन जाए से और हम से खाली वोटर बन के रहो ये क्षेत्र का मालिक कौन बने वो जब तक हाथ में है जब अपने उम्मीदवार मनमानी कर रहा छी उम्मीदवार लड़े से पहले मनमानी कर रहा छी तो बाद में जनता के बात मानो बाद में मानी जनता के बात अगर विश्वास है न है तो जो जनता का मालिक पहले से पूछ रहा है वो मात्र जनता से डरा वाला है जो जनता के खास खास पूछ रहा है जनता के लचार पूछ रहा है कहियो जनता से डरा वाला ना है ये लड़ाई लोकतंत्र में है। आम जनता का प्रतिष्ठा के हम अपने कहना चाहो 12 के दौर की लड़ाई है आम जनता की इज्जत की लड़ाई है अपने के उठा उम्मीदवार ये दिमाग में हटा दू सही अरुण जी लड़ रहा है ना हम कम आम जनता के बल पर हम से लड़ा रहा है आम जनता के निर्णय से लड़ा रहा है ये आम जनता के इज्जत के सवाल है। आम जनता के मालिक माने लोग अगर अपने के निर्णय लाभ हो गए आए वाला दिन में जब भी उम्मीदवार कौन बनाए तो ये क्षेत्र के लोग के राय लेके बनाए हिसाब करा आम जनता के मालिक बनाए वाला लोग हारो ये आम जनता के लचार देखे वाला एक बहु प्राणी बुझे वाला लोग जीते वो अपने से कहा मैं आपसे कहूँ से आज के लड़ाई में दूगो है एक वो दल और नेता के उम्मीदवार है और एक तरफ आम जनता के उम्मीदवार है। हम सब कहूँ आम जनता के जीत सब दिन होते हैं आम जनता के जीत इतिहास में जीतते आ रहे हैं 1200 दिन जीतते आ रहे हैं अभी के लड़ाई भी 12 जीती ये अपने से विश्वास है। आज अपने देखा एक तरफ जी खलका सब स्टेट उम्मीदवार है जरा के अपने उलट पलट के देख ले छी एक तरफ नया उम्मीदवार है एक तरफ जरा के देख रहे छी उलट पलट के ये उम्मीदवार से कभी सांसद तक बन गया है मंत्री बन गया है जरा के से पहले अपने उलट पलट के देख रहे छी 5-5 बरस 10-10 बरस वो एक तरफ उम्मीदवार है तो अनटेस्ट न देखल एगो उम्मीदवार है अपने चिखा पर विश्वास करब कि न चिखा से ओकरा पर विश्वास करब तो हमरा सब उम्मीदवार अभी तक कहियो सांसद मंत्री के पोस्ट पर न गेल एक कॉन्टेस्ट उम्मीदवार पार्टी नया छाप नया उम्मीदवार नया एक तरफ है तो पहले के सियरा हुए है पोस्ट रंगल का है एक तरफ है तो पोस्ट रंगल उम्मीदवार एक तरफ है और कुछ करे वाला उम्मीदवार एक तरफ है मधेश के लिए जनता के ठगे वाला उम्मीदवार एक तरफ है और देश के लिए लड़े वाला उम्मीदवार एक तरफ है। अपने के साथ क्या है कौन आगे सामने क्या है बहुत होगा कि अपने के बीच में भाषण कर रहा है से हम ही कहले छी हम ही कहले छी आज के डेट में हम कहम से मधेश के जो दुर्दशा है ये मधेश के चोर में आगे चलते हैं ये मधेश है जो पहाड़ में 80% आर्थिक योगदान करते रहे पहाड़िया सबके पाले वाला ये क्षेत्र रहे मधेश मधेशों में 12 जिला ये सब ठाउं रहे जो काठमांडू से लेके गुरु पश्चिम के पहाड़ सके जिए के गारंटी तराई पर आश्रित रहे यहाँ से चाउर दाल यहाँ से हिंग हड्डी जाइत रहे तो पहाड़ के लोग पलायित रहे लेकिन आज मधेश की हालत की है सुने रखा कि आज बाहरिया तरकारी नहीं तो गंज भागलपुर बाजार चले वाला है बाहरिया चावल लाल लाए यहाँ के आवश्यकता पूरा रहे वाला है कल पहाड़ के लोग दवाई करने आवे रहे वीरगंज पहाड़ के जिला के लोग पढ़े हुए रहे ठाकुरराम कॉलेज में तराई के कॉलेज से में आज अपने तराई के लोग पहाड़ के तरफ दवाई करावे जा रहा है ज्ञान देख रहे हैं आज हम सब नीचा हो गए कोना के चलते कोनो घर गरीब हो जा रहा है कोनो गरीब के घर धनी हो जा रहा है ओकर कारण की है ओकर कारण ये है कि नेतृत्व तो चोर है जो ना घर के गार्जियन चोर है तो सब चीज होते होते भी कंगाल हो जाए जो ना घर के गार्जियन ईमानदार है गरीब घर भी धनी हो जाए अपने गंज भवानी पर नजर आ रहा है। हम सब देख रहा छी नेपाल में इतना बदलाव है जन आंदोलन भेल जनयू भेल मतलब कौन कौन आंदोलन भेल लेकिन जनता के हालत जन खराब हो रहा है काहे काहे हो रहा है मेरी चर्चा कर रहा जहां अपने आज के डेट में ऐसा हालत है नेपाल में कि अपने निमन रोजगारी खोने छी तो नेपाल में नहीं विदेश जाए के पड़े मजदूरी करना चाह रहा छी वो नेपाल में नहीं विदेश जाए के पड़ रहा है कुछ अच्छा पढ़ाई पढ़ना चाह रहा छी तो नेपाल में है ना विदेश में जाए के पड़े
नौकरी करना चाह रहा डॉक्टर से अपने इंजीनियर से अपने लेकिन नेपाल में काम नहीं विदेश में जाके पड़ी ढेरुआ वाला सिंह तभी विदेश में जाके पड़ी व्यापार व्यवसाय करे। आज नेपाल के काहे भविष्य न है, नेपाल में कौन चीज न है कि नेपाल में भविष्य न है। ऐसा हालत ऐसा नौबत हो गया है नेपाली जनता के कि नेपाल जो नदी छोड़ी है, नेपाल का नागरिकता छोड़ी है, कोनो देश के नागरिकता मिल गया है, कहीं डीवी मिल गया, कहीं ग्रीन कार्ड मिल गया, कहीं कोनो देश के सिटीजनशिप मिल गया, वो दिन अपने खुशी के मारे भोज करे छी तो हम नेपाल छोड़ देव अमेरिकन हो जाए। सुनिए में सुन ले छी भाई, एक गरीब लड़की, एक गरीब घर के लड़की के भी ब्याह धनी घर में होए तो यो विदाई के टाइम में शादी खाने के चाहिए तो हमारे घर छोड़ के पड़ रहा है, नहीं छोड़ के पड़ रहा है। नेपाल में किसान हालत बना दे रहे हैं, तो है चाहे व्यापारी व्यवसायी है, कौन अपने भविष्य नेपाल में देख रहा है नौबत नेपाल का है कौन चीज न है। हम अपने चर्चा कर रहे जबकि हमारी मिट्टी खराब है, दुनिया के और देश से तुलना करो हमने के मिट्टी बहुत महान है, बहुत मूल्यवान है, लेकिन हमारे हवा खराब है। दुनिया के और देश से फोन लगाओ पूछो देश के हवा से कितना सुंदर हवा हमारे से नेपाल में है कि यहाँ का पानी खराब है, कि यहाँ का पानी और देश के तुलना से बहुत सुंदर है, कि यहाँ के आदमी खराब है और देश के तुलना से यहाँ के आदमी बहुत महान है, इतिहास महान है, अभी के वर्तमान महान है, ईमानदार में एक नंबर, कमाए वाला में एक नंबर, बहादुर में एक नंबर है, सब चीज में एक नंबर। यहाँ के जनता है, यहाँ के माटी है, यहाँ के हवा है, यहाँ के पानी है, तो हम सब काहे उजाड़ छे, हम सब बर्बाद छे, एकर एक यो कारण है नेता चोर है, एक नेता चोर है, एले लोग का चोर सब के निकाले के लिए आम जनता के उपयोग उठना ही जरूरी है। बड़ा दो लोग समय ईमानदार और बेईमान चीने के शब्द बड़ा दू जैसे अपने सोनी करे वाला के अपने सिखा भी ले, बच्चा अगर नया नया में खेत में ले आई है तो ओकरा बहुत दिन से सिखावे गए बथुआ ही है, गुमा ही है, बोथा ही है, धान ही है, गहूं ही है, सोनी एकरा करे के है बचावे के एकरा खाली अपने सिखा दू। चोर को ना कह ले, ईमानदार को ना कह ले, ठग को ना कह ले और सच्चा को ना कह ले, एकरा सिखा दे सच्चा तो मने से कोई ठगाने न ठगा वाला है। बहु रुपया से मदेश हैरान है, मुंह में राम राम बगली में छुरा कैंची काट वाला से मदेश हैरान है, मदेश ठगा रहा है। आज हम सब पूछे ना चाहे मदेश के ठेकेदार सबसे जो वर्षों से मदेश के ठेका लेके बैठा है वगैरह से पूछे ना चाहे हम से मदेश के व्यापार काहे डूब गए, मदेश के शिक्षा काहे गिरता गिर गए, मदेश हॉस्पिटल काहे दुर्दशा हो रहा है, मदेश के विकास काहे बंद हो गया। ये हमारा जिला में है कृषि युग में राजधानी रहे सुंदरगढ़, औद्योगिक पूंजीवाद के युग में 12 बड़का बड़ी औद्योगिक क्षेत्र रहे, व्यापारी रूप में ये भी रहे पहले नागा है, 12 जिला बहुत आधार भूमि रहे। आज मानव विकास सूचकांक में काहे पीछे चल गए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पर कैपिटा पर व्यक्ति आय स्रोत में पहाड़ों से नीचे हम लोग बहुत ऊंचा चले गए, कौन आगे चलते। तो हम अपने काम से जोना के घर के गार्जियन चोर है, गार्जियन धनिक मनी घर भी अगर चोर गार्जियन हो तो कंगाल हो, इतने टाइम लागू हुए हालत है मदेश के। एक जवाब देवे के समय ये है, अब एक जवाब देवे के समय ये है, हम अपने काम अपने हमने के नसीब अपना हाथ में है, अपने में विचार करो कैसे चीज हम निमन खराब। हम कहम जो नेता भाषण कह रहे है वो सबके काम कह रहे, वो नेता महान है, भाषण ये वो है और काम ये वो है तो मुझे लगनी है। व्यवहार और भाषण, व्यवहार और विचार एक नहीं है, ईमानदार है नेता जितना फील्ड में आ रहा है मेरे बीच बिगत देखो होकर बिगत के चिक्की बोल रहे हैं, सब चिक्की कह रहे हैं और काम की कह रहे हैं, चर्चा करो एक बार चर्चा करूं होगा तो बिगत ने की बोल रहा है और काम की कह रहा, चर्चा करना जरूरी है। रूप जो देख रहा थी भीतर हुए है, बाहर जो देख रहा थी भीतर हुए है तो नेता ईमानदार है, बाहर कुछ और है भीतर कुछ और है तो मुझे नकली है। इतिहास एगो है और वर्तमान एगो है तो मुझे नकली है, इतिहास और वर्तमान एक जैसा रहे आदमी सच्चा है तो अपने नेता के कसौटी पर लाके देखू। हम सब पूछे ला चाह रहा थी जो नेता सब कह रहे हैं से एक मदेश एक प्रदेश हो का होगे, कुछ नेता कह रहे हैं मदेश को देश हो का होगे, हम पूछे ला चाह रहा थी कहाँ चल गए लोग। चुनाव कमेटी में कर रहे बीरगंज राजधानी हो, चुनाव कमेटी कर रहे श्वेत मदेश हो, नगदी देवे के टाइम कहाँ गए। कुछ लोग कह रहा है ना मदेश के नाम रख दे, 22 जिला के 8 जिला में रहने वाला लोग मदेश के बच्चे रहे कि घुमा रहे हम पिछले चाह रहा। कुछ लोग अपने के बीच में आके कह रहा है
समदेश के 12 के बहुत बड़का सम्मान दिला दे रही उपराष्ट्रपति सब आदमी के था है राष्ट्रपति सेरेमोनियल पोस्ट वाले राष्ट्रपति सेरेमोनियल पोस्ट है देखे वाला शोभा बढ़ाए वाला पोस्ट है तो राष्ट्रपति जब शोभा बढ़ाए वाला तो उपराष्ट्रपति कैसे पोस्ट है उप के मतलब चुप हो गए जब राष्ट्रपति शोभा बढ़ाए वाला है तो उपराष्ट्रपति कैसे पोस्ट है फिर विचार करो अगर है उपराष्ट्रपति होने के बाद अपने मंत्री सांसद नजर न मिले तो 12 के एगो नेता जो कुछ कर सकते रहे आज तो लगा दे रही साइड लगा दे रही और कह रहा है 12 के सम्मान के लिए अन्याय के लिए विचार कर रहा है ये मदेश की भूमि है जो भगवान की भूमि है ऋषि मुनि की भूमि है इतिहास में गौरव करने वाला भूमि है आज चोर और भ्रष्टाचार से मदेश बदनाम हो गया है आज मदेश सम्मान आज बदनाम में परिणत हो गया है हरा भरा मदेश आज उजाड़ में परिणत हो गया है और तुझे झूठ बोलने के काम छोड़ रहा है तो ये झूठ बोले के बात छोड़ रहा है लोग के मूर्ख बनाने के काम छोड़ रहा है हम कह रहा छी अब युग 21वीं शताब्दी का है अब की युग 21वीं शताब्दी का है लोग अब धोखा में आ रहा है न्यूज़ हॉक के चीन वाला कौन पत्रिका है एक मेरी बात करते जीव जरी दोबारा जीव जाने वाला ना है पत्रिका भी आता है लोग के लोग आगे करना चाहो जो अपने काम से देखो अब पूछना चाहिए जी देखा जो दाल है अपने फील्ड में 12 जिले क्षेत्र में एक मेरी हम जनती माइक से करा दूंगी हमें दूसरा माइक से सुनने ना मिले कि अपने सब की कहने से अभी तक लगातार यह नेता समय 12 में जुड़ा दोनों है चाहे वो उपेंद्र यादव की पार्टी है चाहे सिद्धेंद्र कुशवाहा है चाहे फूल कोडेल है ये सब सामना है ना मंत्री तक बोला है एक मेरी 12 करोड़ की कहले हम जाना चाहिए प्रभु साकार वाला है गरीब भाई के स्मार्ट सिटी होने वाला प्रभु साहब गंज भवानी से पूरे से कॉलेज जोड़े वाला मध्य तराई रोक मार के रास्ता बनाने वाला निर्माण काम शुरू करने वाला प्रभु साहब जितना है पुल देखना चाहिए और बीच देखना चाहिए बड़े बड़े प्रभु साहब हम सो किए पूछना चाह रहा हो क्या सबसे एक बार तू बता हम सब कथी करे से 12 जिला में सिमरन गढ़ है चाहे गणी भाई के पर्यटन क्षेत्र घोषणा कराए वाला प्रभु साहब सुनना चाहे छे ये पार्टी वाला से तू कथी करे छे दूसरा बोला कि सड़क होए चाहे घर के पीछे ये में सोचिए योगदान करे वाला प्रभु साहब से सुनना चाहे छे नेता सबसे अपने की कहे छे अपने से ये कहे छे उजाड़ बना दे छे 12 जिला धारा 12 जिला के अपने उजर बना दे छी पिछड़ा बना दे छी एकर जवाब देवे के समय ये आयल हम ने कहला चाहब से जहिया हमरा सब के अपने प्रत्येक सांस न देख रहे प्रत्येक सांस न देख रहे तो ते इतना हम सब कहित रहे अगर प्रभु साह के अपने जितावे छी प्रभु साह के जितावे छी तो कहां जाई बाला जिला एक विचार करना कहा हम सब 12 जिला लोग तो हम सब पहले लोग काटे जो हम जहां घर है मौलापुर पूरे बड़े जिला में रहे पहले बड़े जिला में रहे हमरा से सब संबंध ये नहीं है रे जितना के जो भी काम सब देख रहा छी अपने जब हम जे जीतल रहे तब तो यही हालत है अगर चुनाव प्रभु साहब के जिता रहल थी तो 12 के भविष्य कहा जाए रोहतक के भविष्य कहा जाए वो अपने अपने मन से पूछ रहे से बाकी पूछ जाए एवं बता रहा छी 12 जिला के काया पलट करना चाहे छी तराई के फेर पर भविष्य लगाना चाहे छी और नेपाल में मधेसी योग्य हो गए मधेसिया सब कर देश करे पहाड़िया के वो कर अगर प्रमाण करके दिखावेला चाहे छी तो एक बार आम जनता के अपना पर भरोसा करो अपना मन पर भरोसा करो कोनो डगमगाओ न विचलित न होवे पर दिखा दो जनता के ताकत की होले हम से देख रहा छी पुता वाला बड़ा बड़ा बदपद वाला बड़ा बड़ा ओहदा वाला एक तरफ दंगल में है और कमजोर आम नागरिक एक तरफ है आम नागरिक जो सच रास्ता पर चल रहा है वो बड़ा बड़ा लोग से जो झूठा रास्ता पर चल रहा है ये लोग सच के विजय के लिए अपने पर फिर से क्रिया करके पूरा विचलित रहोगे दिमाग में घबराहट न रह के जैसे अरुण जी वाला था हमरा से चुनाव में टिकट के मेरी कहा से हम एने तो हमर बल पूजा रहल है नहर से एने हम बलियार हो जाए छी लेकिन नहर से ओने हमर हिम्मत न बढ़ रहल हम कहली अपने हमरा साथे आओ 12 जिला के लोग से हम था खास के ओने के तीन गो पालिका के जीवा हम लेली तो तीन गो पालिका अपने के पालिका से कम वोट न रहे काहे हमरा विश्वास है बोले के लोग के हम अपना चिन्ह छी वो भरोसा है तो हम अपने के जीवा ले रहल छी इतना लोग के अगाड़ी से वो पालिका के वोट अपने से प्रसारित में रहे अपने अगाड़ी आओ ये पालिका में इतना कर के प्रक्षेत्र के विश्वास ले सका ले अपने के हर किसी के इंटरेस्ट में चाहो तो अगर सच्चा दिल से अपने हाथ से प्रतिज्ञा कर ले छी प्रतिबद्धता कर ले छी तब से जीते के भी कोई भी हालत में और असंभव चीज संभव हो जाए
हर चीज पूरा कर सके छी अपन ताकत है ल हमने कहो काहे हम सब सही रास्ता पर छी। अगर अपने ईमानदार छी तो 25 के चोर पर अपने भारी छी। अपने गांव में वो कोनो बूढ़ा आदमी है बेवलियाल है उ घर में खाली खोखैत है तो बड़ बड़ चोर के हिम्मत न करी घर में से फुलला। अपने मोटरसाइकिल धरल छी एगो बच्चा के धकेला धदु तो बड़ बड़ चढ़ाई के हिम्मत न करी साइकिल मोटरसाइकिल छुएला। सवाल सच्चाई के है, सवाल सच्चाई के है, अपने सच्चाई में जी अगर 12 को फटा पर अपने अकेले भारी जी राम ने विश्वास राम का जो ताकत है कि अपने हर एक गलत आदमी को पछाड़ सके छी। 12 को ताकत है, गरीब माई को ताकत है, गरीब माई आज न्याय के लिए खड़ा है। इन भूमि के पवित्रता के ऊपर उठावे के लिए अभी दुनिया जब ताक रहा है देश भर चुनाव हो रहे तो लोग के नजर न हो रहे। आज 12 में चुनाव हो रहा है और विभिन्न ढंग के लोग की उपस्थिति से जितना ये क्षेत्र का लोग ना उसे बाहरी बेसी है चुनाव तक जितना क्षेत्र का वोटर है उसे बाहरी बेसी है का 400 बेसी है लड़ाई बेसी है और निर्णय करे के है 12 जिला के। जब इजलास में जाए ले न्यायाधीश फैसला करा ले बहस करे वाला पैरवी करे वाला बहुत रहा है लेकिन निर्णय न्यायाधीश करे के हमारे विश्वास है। 12 जिला की ताकत है कि इतिहास के गौरव इतिहास के जो इतिहास के सम्मान है ओकरा फेर नया ऊंचाई देवे के ताकत 12 भी जिला भीतर है वो विश्वास हम से रहल छे। नहीं तो 3 महीना के पार्टी कौन लड़ सकले 3 महीना के पार्टी चुनाव लड़े के हिम्मत राखी सिर्फ 12 के जनता पर हमरा भरोसा है। एक लोग चुनाव लड़े के ताकत रख ले छी। एक तरफ बड़ा बड़ा शक्ति है बड़ा बड़ा मंत्री है बड़ा सा खजाना खोल दे है और एक तरफ नरेंद्र मोदी एक शिशु बच्चा एक शिशु पार्टी अरे वो में गरीब गुरुआ के वो तबका के सपोर्ट के बल पर जोड़ रहा है कि वो एक कारण है ईमानदारिता एक वो कारण है सत्यता एक वो कारण है आम जनता के सहयोग यही बल पर हम चल रहा है। अपने के हाथ में फैसला है अपने के खाली वोटर के भर के खेल देवे के ना है पूरा अग्रभाग में अरुण गेवाली के जितना सरस गर्मी रहा है उसे दोबर सरस गर्मी अपने जब तक न टाना तब तक खाना खाना तालाब से जीते वाला ना चाहिए। आज के कार्यक्रम के बाद ही नशा जीत के नशा अपने समय सवार है और ये लड़ाई के फतेह करके हमसे नया माहौल नया रहो 12 जिला के एक नया रिकॉर्ड काम कायम करने में हमसे सफल रही ये हार्दिक शुभकामना दे रघुवर भवानी कुल कालों के इतिहास में बहुत बड़ा नाम चल बजा। कुछ गलत नेता के कारण आज जेल में पड़ गए एक कोई माई बाप न होना से आज जेल में पड़ गया है कढ़ाई क्षेत्र में जेल में पड़ गया है एक कोनो माई बाप न है एक आगाड़ी बढ़ाए में हम सब आज भगवानी जी का साथ ही सबके बीच में हम सब कह लिया फिर रिपीट करना चाह रहा छी। हमर प्रतिभाता है मध्य तराई लोक मार्ग जब तक मध्य से न हो 2 रोड मात्र देख रहा छी एगो जगरे जगह जावा रोड एगो बोटरे बोटरे सामने से घूमने वाला गुलाकी सड़क दोनों सड़क के से तराई के विकास हो वाला ना है तराई के विकास के लिए बीचों बीच तराई हो वाला फोर लेन के सड़क जब तक न हो ताले तराई के विकास न हो वो अभियान हम सब भाषण न कर रहा जी गंध भर भवानी पूर्व लोग के पर साक्षी रख के कहना चाह रहा जी से अपने भाषण का सुनो प्रभु साहब के जिला में जब पैसा यही लोग मलाही जहाँ मलाही का कपड़े के जिला है अड़ुआ से लेने उन्हें देखाओ देखो नया सीधे नाके किसी के सड़क गौड़ा समझपुर बराबर जोड़ा जा रहा है पीच भी हो चुका है। अब इन्हें क्या पीच करने की बाकी है दोसर खंड में हम सब वीरगंज से महोत्री जनकपुर अगर हम सब जोड़ दें तो विराटनगर से नेपालगंज के गाड़ी जब सिमरा भवानीपुर होके गाड़ी गुजरी गंज भवानीपुर होके गुजरी थोड़ा दिन की हालत हो अपने अंदाज में समुद्र के बंदरगाह से आ रहा है मुजफ्फरपुर होके मोतिहारी आवित है मोतिहारी से सुगौली होके रक्सौल आवित है रक्सौल से पथनैया होके फिर कहा जा रहा है फास्ट ट्रैक में आ रहा है। अगर हम सब छोड़ा दानों में होके मोतिहारी से सीधा छोड़ा हो दानों कभी होके गंज भवानीपुर से हाईवे अगर जोड़ दे फास्ट ट्रैक से सबसे छोट रास्ता सबसे सीधा रास्ता अपने के गांव होके जा रहा है प्रभु साहब के घोषणा है अगर हम सब चुनाव जीते थोड़ा दानों से सीधा हाईवे वो फोर लेन के प्रभु साहब बनाए ये प्रभु साहब की घोषणा है। और जे अपने के नदी के काम सब है नदी नियंत्रण के काम सब पहाड़ के पानी आके आज तराई के डुबा दे रहा और पड़ा कारण वाला कोई मतलब नहीं अपने के जिले में पुल लेके चाहे तो लोग कहे छोटी मुंह बड़ी बात हम कह रहा छी से ये नदी के पक्की तटबंध द्वारा हम सब नियंत्रण करम या अपने अपने से घोषणा करना चाह रहा छी। और प्रभु साहब का असूल है हम सब कहले छी
कि आज तराई में जो झरना के हाहाकार है, झरना के हाहाकार है, झरना मिल रहा है धनी के लिए, झरना जाकाठी है तो है, मालदार है तो है, तो गरीब लोग है और कमाए वाले लोग विदेश में, हम सब वहां हिसाब के लिए झरना के रेट और गैस चूल्हा के रेट या बिजली वाला चूल्हा के रेट हम सब सस्ता देख ली कि गैस चूल्हा वाला सस्ता है, बिजली वाला चूल्हा सस्ता है, झरना से कम ढेर लग रहा है, तो हम घोषणा कर रहे हैं कि हर एक घर में गैस चूल्हा सीखने से मिलेगा चाहिए, लेकिन हमारे सरकार न मिले तैयो हम क्षेत्र में कह रहे हैं बात को पूरा कर लिया, फिर एक क्षेत्र में कहना चाह रहा हूँ अगर प्रभु शाह हम अपने सरुण जी का हम निवेदन रहा है प्रभु सा हर घर में गैस चूल्हा सिलेंडर बांट के पूरा करो, हम घोषणा करते चल रहे हैं, हमारा सब चाहना है चाहे हमारे सब की स्टैंडर्ड हो भारतीय सरकार प्रधान जीवन बना रहा है कोई ढंग से नाला वाला बन जा रहा है, लेकिन दलित बस्ती में जान तो हालत खराब है, घड़ेरी ना है निमन सुंदर घर ना है एकदम पाए बन गया है दलित बस्ती, हम सरकार ने एक सुंदर सुंदर दलित बस्ती लेके जाए और ऐसे ताकत न मिले कहियो जहाँ जहाँ मिलल है अपने कहट में जाए तो सुंदर सुंदर ताकत सुंदर सुंदर दलित बस्ती मिली, हम सब कहने छी गरीब दलित सबके सुंदर आवास होके चाहे बस्ती सुंदर होके चाहे कुटुम आवे तो गांव के शिकायत न करे, कुटुम आवे तो गांव के बड़गवाई बने दलित बस्ती, हमारे सबके गाँव में कोशिश रहे कि जहाँ चमार लोग के घर रहे वहाँ पूरा फल रहे, वो गाँव में कुटुम तो आवे तो गाँवे कहाँ से, ये गाँव के लोग सुधरे वाला ना है, लेकिन आज देखा तो बस्ती जब सुंदर बन गए सबसे स्टैंडर्ड बन गए वो गाँव के सराहना बन गए, हम सब कहले छी मधेश के दलित बस्ती शिकायत होय वाला है सराहनीय बनाए, ये हमरा से घोषणा है हमरा से सहयोग करू रे बहुत बात सब हम प्रतिवाद का पत्र में लिखित रूप में घर घर पुगा वाला छी ताकि हम से जो बोलल बात लिखित रूप में रहे रबियान हमरा से पूछे लो सब ने जे जे बोलले छी ए न रो कहट हमर घर है रो कहट के लोग से पूछम से प्रभु सा जे बोलल है वो करा ले कि न करा ले, अगर करा ले तो अपने लोग के विश्वास दिलाओ अपने के हर गांव में एगो दुगो साजी दिया कि तो उन्हें का लड़की यहाँ बसे देगी तो यहाँ का लड़की वहां बसे भाई दूर दराज रहा है उनका अपने साक्षी रखे मेरे पूछो सर अगर प्रभु सा सच्चा है तो प्रभु सा के लोग भी सच्चा है, प्रभु सा पर भरोसा करके एक बार आप रसों का हाथ बुलंद करो और बने के गौरव बढ़ा के दिखाओ ये अपील के तौर पर बात रोक रहे हैं धन्यवाद।